अभी अभी बहुत पहले समय की बात है, मैंने कई बार ये गवाही ये टेस्टामनी को आपको बताया अपने बेटे के कि उसके उसका हाथ दरवाजे में आ गया तो वो कट गया, तो बहुत खून बह रहा था। क्या बह रहा था? तो मैंने ऐसे यीशु के नाम से एक प्रार्थना की, बोलो एक प्रार्थना की, और उसे उस खून को जो बहुत बह रहा था उसके पूरा पूरी ये तीनों उंगलियां कट गई, ये तो हल्की सी ऐसे बस पूरी ऐसे हल्की सी बस ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से वो डैमेज हो चुकी थी। तो यह ऐसे पूरा खून बोटियों के ऐसे ऐसे बह रहा था। तो मैंने ऐसे प्रार्थना की, धन्यवाद किया कि परमेश्वर ये कुछ नहीं है, बोलो उसके नाम से मैंने ऐसे प्रार्थना की और कहा, क्या कहा? खून को मैंने ऐसे हुक्म दिया, आज्ञा की कि यीशु मसीह के नाम से क्या है, बंद हो जा। मैंने उसके ऐसे रुमाल लपेटा उसके हाथ पर और ऐसे कहा, जब और जैसे ही कहा और तुरंत मैंने उसके रुमाल को फिर से उतार दिया और यह विश्वास किया, क्योंकि संदेह के साथ जो हम प्रार्थना करते हैं, बोलो क्या करते हैं, वो प्रार्थना हमारे जीवन में कोई भी काम करती, जो संदेह के साथ, बोलो जिसे हम नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज हम संदेह के साथ करेंगे, नेगेटिविटी के साथ करेंगे, हाँ की प्रार्थना तो की है, बोलो क्या है, प्रार्थना तो की है, मगर पता नहीं उसका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो कैसी प्रार्थना की, नेगेटिविटी में, कैसे कि हमने की है और फिर हमने करके ये संदेह किया, शक किया। तो मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि जब मैंने अपने बेटे के हाथ जो पूरा ऐसे उसकी ये तीनों उंगलियां कट गई और पूरा ये हल्की सी ऐसे नीचे से जो उसकी उंगली जुड़ी हुई पूरी कट गई, हल्की सी वैसे ऐसे जुड़ी थी, तो मैंने संदेह से नहीं, मैंने विश्वास से प्रार्थना की। कैसे? मैंने विश्वास से प्रार्थना की और ये विश्वास किया और तुरंत यो रुमाल जो मैंने उसके हाथ पर ऐसे लपेटा था उसको उतार दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने विश्वास को मजबूती के साथ परमेश्वर के सामने लेकर गया। कैसे? मजबूती के साथ अपने मन को परमेश्वर के सामने लेकर गया कि ये काम हो चुका है। बोलो अगर ऐसे नहीं कि हाँ प्रार्थना की है, खून बह रहा है, तो अभी उस रुमाल को ऐसे हाथ में ऐसे क्या करूं, ऐसे लपेटा, ऐसे ही है ना, मतलब लपेटा रहे कि ताकि वो खून इतना है, बोलो क्या है? क्योंकि खून तो बहुत बह रहा है, बोलो खून तो मैंने ऐसे उस रुमाल को ऐसे लपेटा, तो मैंने संदेह नहीं किया, मैंने तुरंत ही उस रुमाल को ऐसे उतार दिया और यह विश्वास किया कि परमेश्वर अपना काम कर चुके। पर बहुत से विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं मगर उनकी प्रार्थना संदेह की, संदेह मतलब समझे, शक, संदेह मतलब शक। तो जब तक ये चीज हमारे जीवन में, तब तक किसी का भी काम को सफल, उसकी प्रार्थना का कोई भी रिजल्ट नहीं आए। पर यहां पे ये ऐसे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती का धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। अगर आप किसी भी चीज के लिए रोज रोज प्रार्थना कर रहे बोलो, तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के आगे मैं प्रार्थना करती हूं या करता हूं, ये जो चीजें मैं भोर रहा हूं क्या है, वो परमेश्वर निश्चय एक दिन क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, निश्चय क्या करेगा, वो निश्चय क्या करेगा, एक दिन वो करेगा कि नहीं करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना का जो महत्व है आपको मालूम पता होना चाहिए, बोलो। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, हाँ हालात है, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, झगड़ा है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, बोलो कर्ज है हमारे ऊपर या किसी भी प्रकार की, तो प्रार्थना कर रहे हैं पर ये नहीं पता कि वर्ड वचन की ताकत क्या है, क्योंकि वचन में कैसे लिखा, इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा अपना वचन दिया कि हे मेरे पुत्र, मेरी तालम में मेरी शिक्षा को कहां पे लिख, अपने दिल की पट्टियों पर लिख।
ताकि तुझे याद रहे, क्या रहे, तुझे याद रहे कि जिस परमेश्वर के आगे तू पर प्रार्थना करता है वो कौन है। तो मेरे वचन को कहां पे ले, अपने दिल की पट्टियों पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर पर मैं आगे मैं प्रार्थना करती हूं या कर रहा हूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है वो, और वो प्रार्थनाएं क्या है। बाइबल बताती है उसके सामने, बोलो क्या है, क्या है वो चीजें। अब कहां से आए हो, हैं आपके साथ आए, हाँ नहीं ठीक है फिर। अच्छा ऐसे ही मैंने सोचा वो है शायद। तभी थोड़े दिन पहले ही एक सिस्टर आई, उसका बेटा भी ऐसे इतनी एज का था, तो मैंने सोचा शायद वो है। उसका बेटा पूरी रात सोता नहीं था, बोलो क्या है, उसका बेटा पूरी रात सोता नहीं, और कई दिन से परेशान थे, बोलो। वो कोई एक साल से शायद, साल के दो साल ऐसे कह रहे थे कि हमें साल दो साल हो गए हैं विश्वास करते। तो उसने कहा ये पूरी रात सोता नहीं, क्या नहीं करता, ये पूरी रात वो रोता रहता है, पूरी रात रोता रहता है। तो वो जहां पे जाते थे किसी ने बताया, कहीं और पर भी गए, बोलो, जहां पर किसी ने कहा वो ऐसे उन्होंने किया, पर उनकी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हुई, पता क्यों, क्योंकि उन्हें पता नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा किसके बिना नाश हो रही, ज्ञान पे। अगर आपको ज्ञान समझ आ गया और आज का विषय आपको समझ आ गया तो आप जो कहोगे वो होगा, क्या होगा, आप जो बोलोगे अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने वो होगा, वो होगा, और ये निश्चय, बोलो क्या, ये निश्चय। तो हमने, मैंने उसे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट बताई कि जाओ ऐसे करो, बोलो जाओ जाकर करो ऐसे करो, और ये विश्वास करो कि ये कुछ नहीं, बोलो क्या है। और मैंने उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे पर प्रेर कर दो, मैंने बोला कि नहीं बच्चे को नहीं आपको जरूरत है, बोलो क्या है, शायद बच्चा कोई तकरीब तीन चार साल का। तो उसने बोला फिर इस पर प्रेर कर दो, पहले मैंने बताया जाओ, नहीं कहते प्रार्थना कर दो, क्योंकि लोग जो परमेश्वर की ओर से जो वर्ड है उसको नहीं पकड़ते, बस उनकी सोच की एक ही जगह पे, बोलो। पर हर प्रार्थना का, हर चीज खुदा के वर्ड से जो चीज आनी है उसको समझना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे पर प्रेर, मैंने बोला कि आपके बच्चे को नहीं आपको जरूरत है, आप आ गया हो, क्या है, आपके बच्चे को प्रेर करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। और मैंने दोनों पर प्रार्थना की, बोलो। और वो फिर बोल रहे अब तो नहीं रोएगा ना, पक्का है ना जी, बोलो, क्योंकि मैं जानता हूं जो बंदा परेशान है, बोलो क्या है, जो बंदा परेशान है उसके मन में कई सवाल उठते, पर उन सवालों से कुछ भी सफलता मिलने वाली नहीं, बोलो क्या है, क्योंकि जो बंदा परेशान है, जिसके साथ ये ऐसे कुछ भी जो बीमारी या हालात है, तो बंदा परेशान है, क्या वो बंदा परेशान है, पर ये सोल्यूशन नहीं है, ये हल भी नहीं है, बोलो क्या, ये हल भी नहीं है। तो मैंने प्रेयर तो की, मैंने गाइड किया, समझाया, तो वो कहते हैं अब तो नहीं करेगा, अब तो नहीं ऐसे, मतलब अब तो सोएगा ना अच्छे से। तो वो पहले से संदेह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं, संदेह। और यहां पे संदेह शक है, वहां पे परमेश्वर का वर्ड वचन, उसके शब्द काम नहीं करते, क्या नहीं करते, उसके वर्ड उसके शब्द काम नहीं करते, मैं सच्ची कहता हूं, बोलो। और ये लोगों में ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, बोलो क्या, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम, बोलो, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, क्या ये सबसे मेजर प्रॉब्लम। पर बाइबल में कैसे लिखा, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा मत्ती 8 में, उस वहां पे ऐसे लिखा है एक सूबेदार के बारे,
यीशु मसीह के पास आया। मत्ती 8 की वो कितनी आयतें मैं अभी देखता हूं। मैं हाँ तो 8:5 से बोलो, 5 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं तो वहां पे आप ये आप नोट करो, घर जाकर पढ़ना, अभी सुनो बस। तो यहां पे एक सूबेदार का विश्वास, किसका? सूबेदार का विश्वास कि उसने कैसे कैसे विश्वास किया बोलो, क्योंकि यहां पे लिखा है उसका, वो यीशु मसीह के पास आया, उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया, जैसे तो उसने कहा कि मेरा सेविक घर में लकवे का रोगी और बहुत बीमार है। बोलो क्या है? मेरा सेविक घर में लकवे का रोगी और बहुत बीमार है और मरने पर है। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं आकर उसे क्या करूंगा? अच्छा करूंगा। मैं उसे आकर क्या करूंगा? अच्छा करूंगा। तो उस बंदे ने यीशु मसीह को कहा, नहीं, मैं इस योग्य कि तू मेरी छत तले आए, तू केवल मुखी से कह दे, मुझे विश्वास है कि वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आमीन। क्या हो जाएगा? मुझे विश्वास है कि तू मुखी से कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, मैंने पूरे इज़राइल देश में तेरे जैसा विश्वास नहीं देखा। क्या नहीं देखा? तेरे जैसा विश्वास मैंने नहीं देखा। आज लोग प्रेयर करवाते हैं, बोलो बोलो, अभी तो यीशु मसीह ने सिर्फ एक वर्ड दिया, ठीक है मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या करूंगा? हम तो प्रार्थना करते हैं किसके नाम से? तो जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं वो कौन है? वो कैसा सामर्थ्य नाम है? तो उसका देखो शांस, उसने कहा मैं इस योग्य, तो केवल मुखी से कह दे, मुझे शांस है कि वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, तेरे जैसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल देश में नहीं देखा। पूरे इज़राइल देश में मैंने नहीं देखा। उसने कहा जा, तेरे विश्वास ने क्या किया? जा, तेरे विश्वास ने क्या कर दिया? तुझे चंगा कर दिया उसे। और उसी घड़ी जब यीशु मसीह ने कहा, वो बहुत दूर से आया बोलो, और जहां से भी आया, यहां पे भी उसका सेविक लकवे रोका रोगी, तुरंत उसी समय वो उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी चंगा। हम भी आज उसी परमेश्वर के सामने प्रार्थना ही करते हैं। बोलो क्या करते हैं? हम भी उसी परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, पर हम उस प्रार्थना का महत्व नहीं जानते। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया कि इस पहाड़ को कहो, बोलो मरकुस 11:22, ये नोट करो, आप नोट करते जाओ। मरकुस 11:22 लेकर 24 तक यीशु मसीह ने चेलों को कहा, इस पहाड़ को कहो, उखड़ और समुन्द्र में जा पड़, और अपने मन में क्या ना करो, संदेह ना करो। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति करो, विश्वास करो, सब मेरी तरफ देखते रहो। अब सबका ध्यान इस साइड नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को सिखाया कि तुम पहाड़ को कहो, यहां से उखड़, और कहां पे जा पड़, समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, कहते हो, प्रतीति करो, विश्वास करो कि हो क्या है। बोलो क्या है? प्रतीति करो, विश्वास करो कि हो गया। ये प्रतीति शब्द बहुत बड़ा है, शब्द है, इससे बड़े बड़े काम होते हैं, इससे मुर्दे भी जीवित होते हैं। ये प्रतीति शब्द से मैंने कहा मुर्दे भी जीवित हो सकते हैं और होते हैं। बोलो क्या है? ये एक प्रतीति शब्द, एक छोटा सा, इसीलिए यीशु मसीह ने एक राई के बीज के उदाहरण देकर ऐसे विश्वास को प्रकट किया कि अगर आपका विश्वास राई के दाने जैसा है तो आपका काम हो गया। आपका अगर विश्वास राई के दाने, क्योंकि राई का दाना बहुत, जैसे सरों का दाना होता है ना, सरों समझे ना, सरों का दाना,
ऐसे ही एक राई का दाना है वो उससे भी छोटा है, बोलो क्या है, उससे भी छोटा है, पर जब वो उगता है तो इतना बड़ा पेड़ बनता है, बोलो क्या है, बोड़ से भी, बोड़ कितना बड़ा पेड़ है, उससे भी उसका पेड़ बड़ा बनता है जब वो उगता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर आपका विश्वास ये राई के दाने जैसा हो तो आपके लिए हो गया। राई का दाना छोटा सा, और कई लोगों को मैंने देखा, लोग बोलते हैं उनसे कुछ पूछा जाए, आप विश्वास करते हो क्या, हम प्रार्थना करें, आपको विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह ने भी यही पूछता था ना, अंधे को वो पूछता था तुझे विश्वास है मैं तुझे अच्छा कर सकूंगा, बोले यस, बोलो कैसे कहा, यस। तो आज भी वही यीशु है, आज फर्क इतना है, आज भी यीशु मसीह अपने नबियों, अपने दास, अपने भिक्षुकों, अपने सेवकों के द्वारा बोलता है, बोलो अपने सेवकों के द्वारा बोलता है। इसीलिए बाइबल में लिखा पुराने नियम है उसके नबियों की प्रतीति करो, वो जो बताते हैं विश्वास करो, क्या करो वो चीज का, क्या करो विश्वास करो, विश्वास क्या करो, विश्वास करो। तो यीशु मसीह जो कोई भी उसको उसके पास आता था तो वो कहता था तुझे विश्वास है, बोले यस, वो कहता जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। तो आज भी जितने लोग इसी मन से आएंगे, बोलो इसी मन से आएंगे और अपने विश्वास को लेकर आएंगे, क्योंकि आप किस पे विश्वास करते हैं, अपने एस्तर के जीवन के बारे पढ़ा, बोलो एस्तर के जीवन, जिसकी माता जन्म ही से जब वो पैदा हुई एस्तर, तो उसकी मृत्यु मतलब उसकी डेथ मतलब मौत हो गई, थोड़े समय बाद उसका जो पिता था वो भी मर गया, बोलो, और वो अनाथ हो गई, उसका कोई भी बहन भाई कोई दूसरा नहीं था, बोलो उसका कोई भी दूसरा, वो एक ही थी, जन्म देते ही अपनी मां की एक पहलौठी एक पलेठी बच्ची, उसकी मां उसे जन्म देते ही मर गई, पिता थोड़ी देर बाद मर गया और वो अनाथ हो गई, किसी फुफेरे भाई ने उसकी पालन पोषण किया, वो बड़ी अपने जीवन में, और जब वो छोटी थी थोड़ी सियानी हुई और उसे ऐसे पता चला कि मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है, जिस पिता ने मेरे जीवन का पालन पोषण करना वो भी जा चुका है, पर जो मुझे इस दुनिया में बनाने वाला पैदा करने वाला वो है, बोलो क्या है। उसे ये बात समझ आई एस्तर को कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, मेरा पिता भी नहीं है जिसने मेरे जीवन का पालन पोषण करना, पर जिसने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, जिसने मुझे भेजा वो है, और उसी विश्वास से उसी मन से वो परमेश्वर के साथ चलती रही, बोलो उसके साथ चलती रही, बढ़ती रही, और एक दिन उसके जीवन में ऐसा दिन आया, बोलो ऐसा तो नहीं है कि एस्तर अपने जीवन में कुछ नहीं करती होगी, बोलो ऐसा है कोई ऐसा कि एस्तर, अगर एस्तर को पता चला कि मां मेरी इस दुनिया में नहीं है, मेरा पिता भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं एस्तर कुछ नहीं करती होगी, अगर उसने उस परमेश्वर को जाना तो उसके आगे वो कुछ ना कुछ तो करती होगी ना, प्रार्थना करती होगी कि नहीं करती होगी। तो जब वो रोज रोज उसके आगे प्रार्थना करती थी, तो उसके लिए उसके जीवन में एक दिन ऐसा दिन आया, क्या आया उसके जीवन में, एक दिन ऐसा दिन आया परमेश्वर ने जैसे उसकी लॉटरी लगा दी, और आपकी भी लॉटरी लगने वाली है, अगर आप ये चीज अगर आप भी आज ये विषय को समझ गए, तो सेम आपकी भी जैसे अस्तर की लॉटरी तो आपकी भी लगने वाली, क्योंकि जो काम अस्तर ने किया आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अस्तर ऐसे नहीं करती थी, रोती नहीं थी, परेशान नहीं होती थी, चिंता नहीं करती, जैसे यहां पे लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो, तो अस्तर जानती थी कि नहीं, जिस परमेश्वर के आगे मैं प्रार्थना करती हूं महान है, सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेगा, क्या करेगा, वो अनाथ थी, उसका कोई भी नहीं था, बोलो, पर जिस परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करती थी, वो सब प्रार्थनाएं किसके सामने थी, और परमेश्वर रोज रोज देख रहा था,
आज भी हर एक के मन को कौन देखता है? आप किस मन से, किस श्वास से आए हो? कैसे रोज रोज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करते हो, चलते हो? किसे पता है? बोलो, किसे पता है? और जिस परमेश्वर के सामने ये चीजें आप करते हो, ये सब चीजें उसके सामने है। ये आपके माइंड में, ये आपके ध्यान में ये होना चाहिए। बोलो, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे। बोलो, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, आप इतनी देर से जाते हो जी। बोलेंगे, कई कुछ कहेंगे, आपका आपके जीवन में काम कुम तो कुछ भी नहीं है। एक दिन आपका मन खराब होगा, आप यहां से वो, वहां से वहां, वहां से पता नहीं क्या क्या करोगे। बोलो, अपने मन को स्थिर करो। क्या करो? अपने मन को स्थिर करो स्थिर, और अपना भरोसा किस पर लेकर आओ? अपना विश्वास, आपके आपका जो श्वास है किस पर निर्भर होना चाहिए? बोलो, एक अनाथ विधवा बच्ची पर मैं उसकी एक क्वालिटी बताता हूं, उस बच्ची की मैं एक क्वालिटी बताता हूं कि उसने बचपन से लेकर जवानी तक, अपनी शादी तक कोई ऐसा पाप नहीं किया। बोलो, उसने अपने बचपन से लेकर जवानी तक कोई भी ऐसा पाप नहीं किया। क्या नहीं किया? बोलो, मैंने भी किए, क्योंकि मैं एक समय था मैं जानता नहीं था। बोलो, पर जब मैंने जाना, मैंने हर चीज अपने जीवन से दूर करता गया। बोलो, मैं हर चीज, पाप वाली चीज अपनी अपने जीवन से दूर करता गया। क्या करता गया? दूर करता गया। क्योंकि सुलेमान कहता है नीति वचन में लिखा, जो अपने पापों को छुपाए रखेगा उसके काम सफल नहीं होंगे, और जो अपने पापों को मान लेगा, बोलो, जो अपने पापों को मान लेगा वो हर विपत्ति से, हर हालात से वो बचाया जाएगा। जो मान लेगा, तो इसीलिए एस्तर ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, और वो जिस परमेश्वर के सामने प्रार्थना ही करती थी, क्या करती थी? बोलो, वो जानता, तो वो जानती थी। और एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया, बोलो, ऐसा दिन आया कि जिस देश में वो रहती थी उसी देश के राजे ने एक स्वयंवर रचा, क्योंकि प्राणी समय में ये ऐसे होता था राजे महाराजों के स्वयंवर में बहुत सी ऐसी लड़कियां आई, तो जो ज्यादा रूपवंत है, जिस है ना, जिसको राजा पसंद करे वो उसकी हो जाए। और उसका फुफेरा भाई जिसने उसे पाला पोसा, उसी राजे के महल में, उसके दरबार में वो जॉब, मतलब नौकरी करता था। तो उसने, उसकी बहन थी, उसने उसे भी बताया और उसे वो लेकर आया। पर उसके साथ वो और भी थे, पर उसके साथ कौन था? परमेश्वर था, उसके ऊपर उसका अनुग्रह था। बोलो, क्या था? उसके साथ उसका अनुग्रह था। तो इसलिए परमेश्वर ने उसकी चोन की, राजा ने उसे पसंद किया, और एक अनाथ विधवा लड़की को कई सूबियों सूबे, क्योंकि वो राजा कई सूबों का राजा था, जब उसकी शादी होगी तो वो कई सूबों की क्या बनेगी? रानी बनेगी। क्या बनेगी? रानी, रानी। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी वो राजे और रानी वाला जीवन देना चाहता है। बोलो, राजे और रानी का जीवन देना चाहता है। पर किसके साथ चलकर, किसके साथ रहकर? बोलो, इसी लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। बोलो, क्योंकि जिस परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना ही करते हो, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। बोलो, क्या है? क्योंकि सोचों से नहीं, बोलो, चिंता से नहीं, हर बात विश्वास से हमारे जीवन में पैदा होगी। अगर आपको विश्वास है, बोलो, क्या है? तो आप अपने उस चीज में, आपको पता है, बोलो, कईयों को तो समझ नहीं ना। बोलो, पिछले संडे मैंने बताया था, एक लड़का पिछले दिन ही कुछ कॉल्स की बच्चों ने, तो उसका भी नंबर था, तो उस लड़के ने कहा कि मैं आया था दो तीन बार, मेरा काम नहीं हुआ। मेरा काम? मैं आया था दो तीन बार,
पर मेरा काम नहीं हुआ इसलिए मैं अब नहीं आता। तो उसने बच्ची ने पूछा, फिर आप कहाँ कहाँ पे जाते? कहीं पे नहीं, मैं वहीं पे उसी धार्मिकता में जिससे आया था उसी में मैं चला गया हूँ, जो मैं धार्मिकता करता था उसी में मैं फिर वापस चला गया। अभी लोगों को ये समझ नहीं है, बोलो क्या है? अभी लोगों को ये समझ नहीं है कि जिस पर आप विश्वास करते हो वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कौन है। बोलो क्या है? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दाऊद कहता कि मैं अगर आसमान पर चढ़ूं तो तू वहां पे भी है, अगर मैं समुंदर पार जाऊं तो तू वहां पे भी है। बोलो, अगर मैं पताल में जाऊं तो तू वहां पे भी है, अगर मैं अपने आप को घोर अंधकार में छिपाऊं तो वहां पे भी है। अभी तुझे छोड़कर मैं कहां जाऊं? क्योंकि वो समझ चुका था। बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते, क्योंकि दाऊद समझ चुका था कि उसको छोड़ मैं अब कहां पर जाऊं जो मेरी सुनी। बोलो, अभी उसको मैं छोड़कर कहां पे जाऊं जो मेरी, अब कहां पे जाओगे? बोलो, मान लो आप, आपका काम नहीं बना, बोलो आपका काम नहीं बना, आपका मन खराब हो गया किसी वजह के लिए, आपके मन ने आपको दोष लगाया, आप जिस धार्मिकता से आई उसी धार्मिकता में फिर चलेंगे? बोलो, हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ नहीं आई। जब मैं प्रभु में आया मेरे जीवन में भी बहुत सी चीजें आई, बोलो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी होगी, क्योंकि मेरे जीवन की टेस्टामनी है, गवाही है, क्योंकि मैं बहुत नशा करता था। क्या करता था? नशा करता था। अभी कोई भी देखकर तो हैरान हो जाएंगे, पर वो चुनने वाला महान परमेश्वर है। बोलो क्या है? वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। बोलो, तो जब मैं प्रभु में आया तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस था। बोलो क्या है? क्या था? और जब मैं आया तो शैतान ने एकदम मुझे टाइट कर दिया। क्या कर दिया मुझे? मुझे टाइट कर दिया, टाइट। मेरा सारा काम, पैसा, पता ही नहीं चला, सब कुछ एकदम क्लोज हो गया। पर मैं जानता था, मैं समझ चुका था, जान चुका था कि नहीं। क्योंकि एक चीज आप ध्यान से समझ लो, परमेश्वर ना कभी किसी को गरीब करता है, ना किसी को बीमारी देता है। बोलो, परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में कोई भी बुरा काम, ये एक ध्यान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता। एक्सीडेंट होते ना, कितने एक्सीडेंट होते हैं? बोलो, कितने एक्सीडेंट होते हैं? होते कि नहीं होते? तो क्या परमेश्वर करता है? लोग समझते हैं कि जो जो किस्मत में लिखा है। बोलो, क्योंकि उनके जीवन में किसका ज्ञान है? संसार का ज्ञान है। वो कुछ लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा वो ही होगा। बोलो, कितने एक्सीडेंट होते हैं? तो कौन कराता है? परमेश्वर कराता है। परमेश्वर मारता है लोगों को? बोलो, क्या परमेश्वर मारता है लोगों को? नहीं। अरे पता नहीं है, बच्चे हो, तो समझ आ रही है? बोलो बोलो, समझ आ रही है ना? क्या परमेश्वर एक्सीडेंट करता है लोगों के, वो मारता है? नहीं, वो नहीं मारता। इसीलिए पता आपको लिखा, विश्वासी की प्रार्थना से रोगी बच सकता है, एक रोगी भी विश्वासी की प्रार्थना से बच सकता है। आपको पता है जिसको डॉक्टर ने क्या कह दिया, आ जाओ जी अब इसकी सेवा करो। बोलो क्या करो? ऐसे बहुत से ऐसे मैंने काम देखे मसीह में पूरे होते, आमीन। मैंने बहुत से ऐसे काम देखे हैं मसीह में पूरे होते। इसी लिखा, विश्वास की प्रार्थना से, विश्वासी की प्रार्थना से रोगी बच सकता है। बोलो क्या हो सकता है? आपको पता, बाइबल में यकूब की पत्री में लिखा, एलीजा एक नबी था जिसने परमेश्वर के आगे घिड़घिड़ाकर प्रार्थना की कि कितने साल, महीना बरसे, 4.5, कितने,
साढ़े तीन तो 3.5 साल मीना बरसे तो क्या हुआ? मी बरसा क्योंकि उसकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना थी। आपकी प्रार्थना कैसी है आपको यह पता होना चाहिए। बोलो, क्योंकि उसकी प्रार्थना कैसी थी? विश्वास भरी प्रार्थना। कैसी? उसने कहा 3.5 साल ऐसे परमेश्वर से कहा मी ना बरसे और वैसा ही किया। बोलो, इसीलिए लिखा उसके जीवन के बारे एलिजा के जकूब की पत्री में कि एलिजा भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कैसे था वो भी? कैसे था वो भी? पर जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि 3.5 साल मी ना बरसे तो क्या हुआ? बोलो, आकाश बंद हो गया। एक विश्वासी, आपको पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो कौन है। बोलो, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि विश्वासी को ये पता नहीं। बोलो, विश्वासी को ये पता? आज के विश्वासियों को पता नहीं है। वो प्रार्थना भी करते हैं, अपनी मुश्किलों के लिए रोते हैं, कुरलाते हैं, पता नहीं क्या क्या। बोलो, आपकी प्रार्थना से आकाश रुक सकता है। यहोशू ने सूरज को रोक दिया। बोलो, ये पूरी रोज सूरज घूमता है। आपको पता है ना, 4 साल बाद एक लीफ का दिन आता है। क्या आता है? 4 साल बाद लीफ का दिन। हर साल में 335 दिन होते हैं, पर उस साल में 4 साल के बाद जो उसे लीफ का साल बोलते हैं उसमें 360 दिन आते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन यहोशू ने सूरज को रोक दिया। और यहोशू भी आप ही जैसा था, पर वो जानता था मैं किस पर विश्वास करता हूं। बोलो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पहाड़ को कहो, पर अपने मन में क्या ना करो? संदेह ना करो। क्या ना करो? क्योंकि प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता, अब जब भजन संहिता जबूर पढ़ते हो तो दाऊद ने कम से 150 जबूर लिखे। कितने? 150, 150। और 150 जबूर में उसने 70 से लेकर 85 तक मेरे हिसाब से उसने प्रार्थनाएं की। अलग अलग तरह की उसकी प्रार्थनाएं पढ़ो। बोलो, 70% से लेकर 80% उसने प्रार्थनाएं भजन संहिता में लिखी। और आज भी कितने लोग हैं जब उसके जीवन में पढ़ते हैं? बोलो, पढ़ते हैं ना, तो आज भी लोग उसके जीवन के बारे पढ़ते हैं कि दाऊद कैसे कैसे, क्योंकि दाऊद अलग अलग विषय के लिए प्रार्थना करता था। क्या करता था? बोलो, क्योंकि उसका विषय अपना है, हमारा विषय अपना है। वो कभी कभी ऐसे प्रार्थना करता है, मुझे शत्रुओं से मुझे छुड़ा, क्योंकि वो एक राजा था। बोलो, तो ये जब जो लोग वचन पढ़ते हैं उन्हें ध्यान होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि वो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। आज हमारा कोई शत्रु नहीं है क्योंकि वो तो राजा है। बोलो, अगर आप वो प्रार्थना को, वो तो हमारी सिर्फ एक समझने के लिए कि दाऊद ने भी अपने जीवन में यह काम किया और हमने भी करना है। बोलो, पर आपकी प्रॉब्लम, आपका जो विषय है अलग है, दाऊद जैसे नहीं है। वो तो परमेश्वर ने इसलिए वचन दिया कि आप समझ जाओ। बोलो, उसने तो इसलिए अपना वचन दिया कि दाऊद भी अलग अलग तरह से अपने शत्रुओं के लिए कभी संकट में पड़ गया, कभी कुछ हो गया, क्योंकि वो राजा था, कुछ ना कुछ तो चलता था। बोलो, क्योंकि उसकी पदवी राजे की थी, तो कभी कभी वैसे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता, कभी किसी चीज के लिए। तो हमारे भी बहुत से विषय। बोलो क्या? तो जैसा आपका विषय है अपने वैसे ही प्रार्थना करनी है। बोलो क्या? जैसा है आपके जीवन का विषय है अपने वैसे ही प्रार्थना करनी है। बोलो क्या? जैसा आपका काम है आपकी प्रार्थना भी वैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसा आपका काम है आपकी प्रार्थना भी वैसी होनी चाहिए। आपको पता नबूकदनेस्सर राजा, बोलो नबूकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन के प्रांत का राजा था, जिसके राज्य में दानियल, उसके साथी शद्रक मेशक अबेदनगो भी उसी राजे के
महल की, उसके राज्य में वो सेवा करते थे। क्या करते थे? पर एक दिन उस राजे ने एक स्वप्न देखा, एक सपना देखा। तो देखेंगे कि प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो दानियल की पुस्तक, उसका दो अध्याय, अगर हम एक से पढ़ें तो, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा काफी लंबा है, बोलो, मैं थोड़ा पढ़ता हूं, आप पूरा पढ़ना। एक से पढ़ेंगे। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपन देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषियों, तंत्री, टूने और कस्ती बुलाए जाएं कि वह राजा को उसका सपन बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल हुआ है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कस्तियों के राजा से अरामी भाषा से कहा, हे राजा, तू चिरजीवी रहे, अपने दासों को अपना स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कस्तियों को उत्तर दिया, मैं आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। बोलो, तो ऐसे नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा। उन दिनों में क्या देखा? जो बेबीलोन के प्रांत का राजा था, तो उसने स्वप्न देखा तो उसका मन बहुत व्याकुल हो गया, वो घबरा गया। तो उसने बहुत सारे ज्योतिषियों, तंत्री, टूना करने वाले, जैसे आज भी संसार में पंडित लोग हैं, ज्योतिषी लोग, जिससे लोग अपने जीवन के भविष्य के लिए, अपनी कामयाबी के लिए क्या करते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनकी, अगर उनका कार्ड लो, कार्ड तो उनके कार्ड पर लिखा है हर समस्या का समाधान। बोलो, ज्योतिषी के कार्ड में लिखा है ना, व्याह का है ना, किसी को वशीकरण, किसी को वश में करना, बिजनेस, काम, बच्चों, बहुत सी ऐसे लिखे हैं। तो वहां पे उसके ज्योतिषी के कार्ड पे लिखा होता है हर समस्या का समाधान। तो लोग उस ज्योतिषी के पास, इस संसार के लोग जाते हैं अपनी समस्या का समाधान लेकर, कि वो हमारे जीवन के बारे बताएं कि हमारा काम क्यों नहीं होता, बोलो, मेरा बच्चा क्यों नहीं होता, मेरा ये काम क्यों नहीं होता, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता, बोलो। तो लोग जाते हैं, बोलो, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा क्यों नहीं लगता, मेरे बच्चे क्यों की काम करते, मेरा पति नशा क्यों नहीं छोड़ता। तो लोग किसके पास जाते हैं? यहां पे जैसे लिखा, ज्योतिषी, तंत्री, टूना करने वाले, इस संसार में अभी भी, बोलो, शुरू से लेके आज भी, जिनके पास लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर जाते हैं। बोलो, ऐसे मेरे भी नॉन में, ये पाप है, पर ये पाप है सबसे बड़ा पाप, बोलो क्या ये? तो उसके पास उसने, राजा ने बुलवाए कि मेरे स्वप्न का फल बताओ। तो वो बड़ी खुशी से आए, बोले, अपना अपना स्वप्न बताओ हमें, हम अभी बताएंगे। तो राजा ने कहा, मैं आज्ञा दे चुका हूं कि अगर मेरे स्वप्न, मेरे सपने का अफल समेत मुझे ना बताओगे तो मैं टुकड़े टुकड़े तुम्हारे करवा दूंगा और तुम्हारे घर में, मैं आज्ञा दे चुका हूं। तो उन्होंने ज्योतिषियों, तांत्रियों और टूना करने वालों ने कहा, राजा, इस पूरी पृथ्वी में, पूरे देश भर और पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो राजा तेरे स्वप्न का, तेरे सपने का जो अर्थ है फल समेत बताए, कोई नहीं है। बोलो, कोई दुनिया भर में कोई नहीं, तू बता क्या कर, तो हम बताएं। उसने कहा, नहीं। बोलो, तो 12 में लिखा, 2:12 में लिखा, आप पूरा पढ़ना जाकर यहां पे। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दी।
अतः वे आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था। लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे क्योंकि वह भी घात किए जाएं। क्या किए जाएं? वह भी घात किए जाएं। और 14 में लिखा, तब दानियल ने अंगरक्षों के प्रधान अर्जोक से, जो बेबीलोन के पंडितों का घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हाकम अर्जोक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की और से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्जोक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वे महाराजा को सपन का फल बता सके। और 17 में लिखा, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी, मतलब संगी अपने साथी हननिया, मिशाइल, अजरिया को ये हाल बता दिया। ये इनके पुराने नेम है, शद्रक मेशक अबेदनगो के ये पुराने नेम है उसके, हननिया, मिशाइल और अजरिया, बोलो, जिनके नाम चेंज हो गए। तो इस भेद के विषय में प्रार्थना करो कि बेबीलोन के सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर के जय कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम जुगाना जुग धन है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है, बुद्धिमानों की बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या होगा और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पुरुषों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस वेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट कर दिया है। तूने हमको राजा की बात बता दी है। आमीन। क्या कर दिया? अभी ध्यान से सुनो। तो अभी दानियल की और उसके साथियों की कैसी प्रार्थना थी, बोलो। जिस बात का आदेश नबुकदनेस्सर ने किया कि स्वप्न समय, बोलो, स्वप्न शहर, अगर कोई मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा उसे घात किया जाएगा, वो मार दिया जाएगा। तो दानियल किस पर विश्वास करता था और आप किस पर विश्वास करते हैं, बोलो। आपको ये पता होना चाहिए जिस पर विश्वास करते वो कौन है। इसीलिए लिखा ना, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो अभी दानियल ने जब देखो प्रार्थना की और उसके साथियों ने, कि उसने ऐसे कहा कि अंधकार की छिपी बातों को रोशनी में तू ही प्रकट करता है, अंधकार की छिपी बातों को रोशनी में तू ही प्रकट करता है। बोलो, क्या करता है? तू ही प्रकट करता है। और राजाओं का अस्त और उदय तू ही जानता है। कौन जानता है सब कुछ? आने वाले समयों में क्या होने वाला है, बोलो। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, बोलो, हजारों साल पहले परमेश्वर ने इसी धरती में पेट्रोल और डीजल भी डाल दिया, बोलो, इसमें सोना डाल दिया, हीरे डाल दिए, क्योंकि वो जरूरत थी, बोलो। तो पहले से ही जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो पहले से ही परमेश्वर ने सब कुछ उसमें डाल दिया, बोलो, पहले से डाल दिया। तो परमेश्वर जानता है। इसीलिए देखो दानियल ने कैसे प्रार्थना की कि उस जो राजा की बात है तू मुझे बता चुका है, बोलो, राजा की जो बात है परमेश्वर तू मुझे बता चुका, और जिस बात का भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे किया उसने उसे तूने मुझ पर प्रकट कर दिया। जिस बात के लिए दानियल ने कहा मैंने परमेश्वर तुझसे प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूं कि उस बात के भेद का खुलासा तूने मुझ पर प्रकट, एक पॉजिटिव विश्वास, एक अच्छे अंगीकार, बोलो, एक पॉजिटिव विश्वास, एक अच्छे अंगीकार की प्रार्थना की कि यस तू उस भेद का खुलासा मुझ पर कर दिया। ऐसे नहीं कि प्रार्थना कर अब सोचने लगा, बोलो, कि परमेश्वर
मुझे बताए तो मैं खुशबू से राजे को बताऊं। उसने तुरंत ही जब प्रार्थना खत्म की, जैसे उसने समाप्त की, तो उसी समय उसने कहा, जिस बात को मैंने तुझसे मांगा है, जो बात मैंने कही है, तू उस भेद का मुझ पर खुलासा कर दिया और वो बात तू मुझे बता चुका है। बोलो, एक पॉजिटिव विश्वास, एक पॉजिटिव प्रार्थना हमारे जीवन में का बहुत महत्व है। बोलो क्या है? बहुत महत्व। बोलो क्या है? उसका बहुत बड़ा महत्व। अगर हमें ये पता नहीं है तो हम फिर ऐसे ही लगे रहेंगे। बोलो क्या है? सालों साल लगे रहेंगे। बोलो, और जो परमेश्वर की डायनामिक्स, उसकी सामर्थ्य है। आज के विश्वासियों उस समय की नहीं, क्योंकि जब दानियल ने प्रार्थना की तब तो अनुग्रह नहीं था। बोलो क्या था? तब तो अनुग्रह, क्योंकि तब यीशु मसीह इस दुनिया में आए नहीं थे। ये बहुत यीशु मसीह के आने से पहले की बात है, यीशु मसीह के इस धरती पर आने से भी पहले की बात है। तो पर उसने अच्छा विश्वास किया, एक अच्छा अंगीकार किया कि उस बात का भेद का खुलासा तू मुझ पर प्रकट कर चुका है और तू मुझे बता चुका है। बोलो, तो उसने अच्छा अंगीकार किया, अच्छा विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उसे बता दिया। आज भी किसी भी बात के लिए आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर, क्या बात है कि मेरे जीवन में यह चीज नहीं हो रही, क्या कारण है? आप पूछो परमेश्वर से। बोलो, इसीलिए लिखा ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ही विनती किसके सामने? बोलो, और जिसके सामने हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि रिजल्ट ना आए, उत्तर ना आए। बोलो, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ना आए, उत्तर हो ही नहीं सकता। बोलो, हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर जो कहा वो होकर रहेगा। आमेन। उसने कहा आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, पर जब तक वो वर्ड, वो वचन जब तक पूरा ना होगा, तब तक वो ऐसे ही बना रहेगा। समझे? ये ऐसे रहेंगे। समझे? तो ये खत्म हो सकते हैं, पर जो वचन जिसके लिए आपने विश्वास किया, जब तक वो पूरा नहीं होगा, यीशु मसीह का, ये टल सकते हैं, पर वो पूरा होकर ही रहेगा। बोलो, इसीलिए लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता, उसे ढूंढो, उसे पाओ, ऐसे नहीं सांस छोड़ दो। बोलो, मतलब अभी डॉक्टरों ने, किसी ने, कोई भी काम है आपका, बस उन्होंने बोला नहीं है, आपकी आपकी कोई भी चीज है, अगर आपकी बीमारी, उसने बोला अब नहीं होगा, खत्म है जी। लेकिन जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसे ढूंढो, लास्ट समय तक ढूंढो। आपके एक दो साए, तब भी उसे ढूंढो, तब भी वो कर सकता है। वो परमेश्वर है जो चार दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। समझ आ रही है? पर ये बात आपको बहुत पता होना चाहिए। बोलो, अभी ज्योतिषियों, तंत्रियों, टोना करने वाले उस पंडितों ने नबूकदनेस्सर राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, देवताओं को छोड़ ऐसे कोई भी बता नहीं सकता। उन्होंने कहा, देवताओं को छोड़ कोई भी ऐसे तेरे स्वप्न समेत, उस तेरे उस फल समेत, तेरे स्वप्न का अर्थ नहीं कोई बता सकता। बोलो, पर कौन बता सकता है? क्योंकि अंधकार की छिपी बातों को रोशनी में कौन प्रकट करता है? बोलो, कौन प्रकट करता है? वही परमेश्वर करता है। कौन करता है? जिसने आपको आज चुना है। बोलो, इसीलिए लिखा ना, अपने बुलाए और चुने जाने पर क्या करो? बोलो, क्या करो? अपने बुलाए और चुने जाने पर क्या करो? ध्यान करो, ध्यान, और अपने आप को और भी पक्कियां करंदा यत्न करो, यत्न क्या करो? अपने आप को पक्कियां करंदा यत्न करो, यत्न। अगर यत्न नहीं कीती, कोशिश नहीं कीती, बोलो, इसीलिए लिखा ना, जब तक यहोवा मिल सकता नु टुंडो लप्पो। बोलो, जब तक मिल सकता। बोलो, जिस दिन असी प्राण त्याग देने शरीर चो,
उस दिन तो कहानी खत्म है। बोलो की है? पर जब तक तोड़े शरीर च प्राण है, जान है, साह है, बुद्धि है, तब तक वो मिल सकता है, तब तक उन्हें ढूंढो, लभो। बोलो अपने जीवन च उन्हें ढूंढो, लभो। हर प्रश्न दा, हर क्वेश्चन दा तनु उत्तर देवेगा। क्या देवेगा? हर प्रश्न दा, हर क्वेश्चन दा तनु उत्तर देवेगा। इस तरह नहीं कि नहीं देवेगा। बोलो की नहीं देवेगा? और निश्चय, बोलो क्या है? निश्चय हर गल दा उत्तर आएगा। बोलो, निश्चय हर गल दा उत्तर आएगा। बोलो, पर ये आज के शास्त्रियों को ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बोलो, मैं चंगी होऊंगा, होऊंगा जा होंगी। बोलो, मैं चंगा होगा जा होंगी, पता नहीं उन्हें, ये पता नहीं। चलो ठीक है, जाकर देखते हैं। बोलो, पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा। बोलो, क्योंकि उन्हें पता नहीं, क्योंकि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आगे आप प्रार्थना करते हो वो कौन है। बोलो, और वो क्या कर सकता है? वो पूरी दुनिया को एक दिन में बदल सकता है, वो इतना सामर्थ्य है। बोलो, पर आपके विश्वास से, आपकी प्रार्थनाएं से, बोलो आपके विश्वास से, आपकी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। बोलो, पूरा पूरे नगर बच सकते हैं, पूरे देश बच सकते हैं, पूरे पृथ्वी के लोग बच सकते हैं आपकी प्रार्थना से। बोलो, पर आप तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि आपको पता नहीं, आपके तो अपने काम नहीं हो रहे, क्योंकि ये पता नहीं है। ये फिलिपियों 4:6 जो वर्ड की महत्ता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना विनती किसके सामने है? बोलो, किसके सामने है? तो जिसके सामने, आपको पता होना चाहिए कि उसने मेरा काम जी करना ही करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा दे और बदल जाए। नहीं जी, तेरा टाइम बड़ा लग गया, अब नहीं मैं कर सकता। ऐसे कहा कहीं पर परमेश्वर ने? बोलो, कहीं पर ऐसा लिखा तेरा टाइम बहुत, तुझे बहुत टाइम लगा? नहीं, अब नहीं होगा। बोलो, अब कम, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, नहीं जी अभी तो सिर से बाहर है, अब नहीं हो सकता कुछ भी। बोलो, असंभव बात को संभव कौन करता है? कौन करता है हमारे जीवन में? कौन पूरा करता है? तो आपको पता होना चाहिए। बोलो, आपको यह पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना करते हो, ये जो प्रार्थना ही मैं कर रही हूं, कर रहा हूं किसी भी चीज के लिए, ये उसके लिए, उसके सामने, और उसने करना ही करना है। बोलो क्या? उसने बोलो करना है कि नहीं करना है? बोलो करना है कि नहीं करना है? कितने लोग का जो विश्वास करते हैं कि उसने करना है किसी भी चीज को लेकर, चाहे कोई हॉस्पिटल में है, चारपाई में है, उसका गुर्दा खराब हो चुका, उसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, उसकी आंख में काला मोतियां हैं, चिट्टा है, उसकी आंख निकल चुकी है। आपको पता, मैंने पिछले दिन में आपको गवाही दी ना, एक बंदे की किसी वजह से ये आंख निकल चुकी थी। उसने कोई ऐसे प्रीच कर रहा था ऐसे, तो उसने वहां पे सुना, तो उसने कहा यीशु मसीह तुम कहते हो सब कुछ कर सकता है, मुझे नई आंख दे सकता है? बोलो यस, हां दे सकता है, क्या कर सकता है? और उस बंदे की 1 हफ्ते के बाद नई आंख आ गई। क्या आ गई? नई आंख आ गई, नई आंख। आपको पता, मेरे पास एक गवाही है, ये यहां की नहीं है, ये मेरठ की, मेरठ की। उस संगति में 2 लेडी आती थी, एक के पास कोई भी बच्चा नहीं, सुनो ध्यान से सुनो, एक का कोई भी बच्चा नहीं है, और एक के ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, तो वो प्रेग्नेंट है, पर वो उसे ये पता है कि बच्चे को घराना पाप है। मतलब बच्चे को, जैसे आज भी लोग पाप करते हैं ना, तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के दास को कहा कि मैं ये पाप नहीं करना चाहती, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये बच्चा
मेरे पेट से गायब हो जाए। और दूसरी लेडी है ना, दूसरी सिस्टर, वो उसकी सुन रही थी कि ये क्या कह रही है कि मुझे बच्चा नहीं, उसके उसका बच्चा नहीं कई समय से, बोलो उसका बच्चा कई समय से उसका बच्चा नहीं। तो वो सुन रही है और उसने कहा प्रभु के दास को कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये बच्चा मेरे पेट से गायब हो जाए। तो उसने कहा आपको विश्वास है? बोले हाँ जी। बोलो उसने कहा आपको विश्वास है हाँ परमेश्वर ऐसा कर सकते? बोले यस मुझे विश्वास है। अगर मैं प्रार्थना किसी पर करूं तो वो जैसे उस मैं अभी पहले बताया कि बोला ठीक है फिर आप आज रात को रोएगा तो नहीं ना जी, तो वो तो ऐसे रोएगा ना। बोलो रोएगा कि नहीं रोएगा? वो रोएगा, आप पक्का रोएगा, क्योंकि जहां पे ये ऐसी सोच है वहां पे वो काम होगा ही होगा। समझ आ रही है? तो उसने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो उसने कहा प्रार्थना करो, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर सब कुछ कर सकता। तो दूसरी वाली सुन रही थी, उसने कहा प्रभु के दास, क्योंकि दास जी ऐसा हो सकता है इसका बच्चा मुझे मिल सकता है? बोलो अभी सुनो परमेश्वर कितना मान। उसने कहा इसका बच्चा मुझे मिल सकता है, उसका 3 महीने से भी प्लस बच्चा था, कितना ज्यादा सा शायद ऐसे ही। तो उसने कहा इसका बच्चा मुझे मिल सकता है? तो बोला हाँ, क्योंकि एक अगुआ एक दास भी जानता है और आप भी जानते हो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। बोलो अगर मैं कहूं किसी को इस फ्लावर को परमेश्वर सोने का बना सकता है तो सबको पता है, तो फिर हम वैसे विश्वास क्यों नहीं करते कि वो सब कुछ कर सकता है? हमें ये ऐसे मन में क्यों नहीं होता? समझे? तो उस लेडी ने कहा कि उसने कहा फिर ठीक है अब दोनों विश्वास करो। उसके बच्चे को पेट से गायब होने की प्रार्थना कर दी और उसने रिसीव किया कि इसका बच्चा मुझे मिल जाए। और दोनों एक हफ्ते बाद वो फिर अगली संगति में आए, नेक्स्ट संगति में आए, तो वो इतने महीने का बच्चा ट्रांसफर होकर उस दूसरी सिस्टर के पेट में आ गया। अभी देखो, बोलो अभी देखो कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। बोलो अभी आप ये देखो कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। कभी होता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस को विज्ञान है जो बच्चे को एक हफ्ते में उसके हाँ आजकल वो साइंस चली है ना, वो किसी के ऐसे वो बच्चा पैदा कर सकता है दूसरे को, मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, ऐसे दूसरी औरत ऐसे बच्चा उसके ऐसे कर सकती है पैदा, ऐसे ऐसे कुछ है साइंस में, मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहती है। पर ऐसे नहीं है कि किसी का इतने महीने का बच्चा ट्रांसफर होकर कोई उसको देने के लिए गायब हो जाए और दूसरा कहे मुझे चाहिए, और दोनों ने उसने जाने के लिए उसने लेने का विश्वास किया और दोनों एक हफ्ते के बाद आई और उसका बच्चा उसके पेट में आ गया। अभी विश्वासी को जो विश्वास करते हैं, जो उसके आगे प्रार्थना ही करते हैं, कितनी चिंता करनी चाहिए? बोलो कितनी चिंता? बोलो कितनी चिंता करनी चाहिए? कितनी चिंता करनी चाहिए? बोलो कितनी चिंता करनी चाहिए? बहुत चिंता करनी चाहिए कि हाय परमेश्वर पता नहीं मेरी सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा, हाय मैनू खोरे चंगा करूंगा कि नहीं, हाय कि मैं इदा ही लगदा मर जाना। बोलो बोलो एक शासी जो उसके आगे प्रार्थना करता है तो ऐसे होगा, हाय पता नहीं खोरे मेरे पति ने नशा छड़ना कि नहीं छड़ना, इन्हें इन्हें पाप नु छड़ना कि नहीं छड़ना। बोलो समझ आ रही है? तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। बोलो ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में? बोलो ऐसा होना चाहिए? नहीं, इसीलिए लिखा बोलो कि हमारे विश्वास से हमारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पर अगर आपको ये प्रार्थना के महत्व
यही फिलिपियों 4 की शी का जो वर्ड वचन की ताकत कि किसी भी बात की चिंता, क्योंकि जिस परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना ही करते हो, मैं सच्ची कहता हूं, आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हो वो होना ही होना है, डेफिनेट पक्का, बोलो ये पक्का है, पक्का। आज से इस वर्ड को अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, क्या लिख लो, पर ऐसे नहीं, सोच से नहीं, संदेह से नहीं, बोलो सोच से नहीं, संदेह से नहीं कि पता नहीं अब तो इतना टाइम हो गया, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा, बोलो रोज रोज उस चीज के लिए आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाओ, रोज बोलो कि परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो, बोलो ऐसे नहीं है करते रहो जी करो 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 करो, क्या करो। दानियल ने भी कैसे प्रार्थना की, तुम परमेश्वर उस भेद का खुलासा मुझ पर प्रकट कर चुके, तू मुझे जो राजे ने जो सपन देखा तू मुझे उस बात को बता चुका है, क्या कर चुका तू मुझे उस बात को तू मुझे बता चुका है, तो आप भी वैसे ही करो, आप भी वैसे ही करो और देखना फिर, बोलो फिर देखना फिर परमेश्वर भी आपके साथ ऐसे ही करेगा, पर चिंता से नहीं, क्योंकि जो आप प्रार्थना कर रहे हो अगर उत्तर नहीं आ रहा, अभी उत्तर नहीं आ रहा, पर यह आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझे उत्तर आएगा, मुझे उत्तर आएगा और अवश्य आएगा, निश्चय आएगा। आप किसकी सेवा में लगे रहो, किसके प्रेम में बढ़ते चले जाओ, ऐसे नहीं, बोलो। कईयों का प्रेम तो ऐसा है, जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम होती, हालात होता है, तब वो आते हैं, तो कब आते हैं परमेश्वर के पास, ये लव नहीं है, ये प्रेम नहीं है परमेश्वर से, बोलो कि जब आपके जीवन में हालात हैं, और हालात आते भी क्यों, बोलो मैं अभी मैंने बोला कि एक्सीडेंट होते हैं, क्या परमेश्वर कराता है लोगों को, ये फेफड़े खराब हो गए, गुर्दा खराब, पत्थरी आ गई, रसौली आ गई जी, ये हो गया जी, इतनी इन्फेक्शन होगी, आजकल तो ये बड़ी बीमारी चल रही है, पता ही नहीं चलता, आदमी अच्छा बोला और बोला डॉक्टर गए और बोला इसे इतने हजार इन्फेक्शन होगी, क्या होगी इसके इतने हजार, इसके इसको इन्फेक्शन आ गई है जी, इसके पता नहीं वो सेल, बोलो जब मैं छोटा था पता नहीं मुझे, मैंने कभी ये वाली बीमारी जो सल घटती है, पहले भी थी ऐसे ही, पहले भी होती थी, बोलो पहले होती थी ये, पहले नहीं होती, तो ऐसे नई नई बीमारियां पता नहीं कहां से, बोलो ये अंधकार है, ये पाप की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं, बोलो क्या है, और कईयों को पता भी नहीं ना, इसीलिए परमेश्वर के साथ चलना कितना फायदा है, बोलो क्या है, और कई लोग कितने हैं वो तब आते हैं जब उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, बोलो बस उनका इतना ही प्रेम है, पर बाइबल में लिखा यीशु मसीह का सबसे पहले तुम किसकी खोज में बढ़ो तो सब चीजें आपके पीछे आएंगी, क्या आएंगी, अगर आप उसकी खोज में बढ़ो, उसके प्रेम में बढ़ो तो सब चीजें आपके पीछे आएंगी, क्या आएंगी सब चीजें, थोड़ कर लेना चाहते हो कि अपने आप आए, आसान चीज क्या है, बोलो आप अपना कर्जा परमेश्वर से दूर होकर रहकर उतारना चाहते हो, अपना कर्ज जो आपके ऊपर है कि उसके साथ ही रहकर, क्योंकि उससे वो पहले उतार देगा, क्या कर देगा उससे दूर होकर आप, कई लोग सोचते हैं ना मेरे ऊपर बहुत लेना देना है संसार का, क्या है लेना देना संसार का, तो उससे वो दूर होकर करते हैं, पर जो परमेश्वर के साथ होकर करेगा उसकी मंजिलें आसान होगी, उसकी मंजिलें आसान होगी, आसान। तो आज इस वर्ड को, आज के इस वचन को याद रखो, क्या रखो कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका उत्तर आना ही आना, और निश्चय, बोलो ये निश्चय, ये पक्का, बोलो क्या है, किसी भी चीज के लिए आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पति के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप कर रहे हो, अगर आप कर कुछ नहीं रहे, बोलो अगर आप कर कुछ नहीं रहे, महीने में एक बार आ रहे हो, पता नहीं जब टाइम लगा तो जी कर ली 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना, ऐसे नहीं, अगर प्रॉपर लगातार किसके साथ बने,
तो हर चीज का रिजल्ट और उत्तर आने वाला है। बोलो क्या है? आपके जीवन में आने वाला है। आज के वर्ड को याद रखो अपने जीवन में। अगर आप विश्वास के साथ इस वचन पर खड़े हो गए और ऐसे ही परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते रहोगे कि ये जो मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ वो मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और उसके सामने और वो करेगा और वो निश्चय करेगा। क्या करेगा? वो निश्चय मेरे लिए करेगा और वो कर मेरी सुनो। एक मैं चीज आपको बड़ी बताता हूं, जैसे लोग हर चीज के लिए प्रार्थना जब करते हैं तो वो ऐसे करते रहते हैं, करो 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 करो, बोलो करो करो करो, हमारे लिए करो करो, रोज कहते हैं करो। पर यीशु मसीह की ये टीचिंग नहीं है, बोलो, क्योंकि बाइबल बताती है बस एक बार मांगो और उसके बाद धन्यवाद करो कि तू मुझे दे चुका है। एक बार मांगो और उसके बाद क्या करो? धन्यवाद करो कि आप दे चुके हो। अगर आप बीमार हो एक बार प्रार्थना करो परमेश्वर मुझे चंगा कर, कुछ भी, उसके बाद बोलो तू मुझे कर चुका है। किसी भी चीज के लिए धन्यवाद, मेरे लिए ये हो चुका है और आपके लिए वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो प्रार्थना किसके सामने है? वो परमेश्वर के सामने। तो इसलिए आओ अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर जो मैंने आज सीखा, जो मैंने समझा, निश्चय मेरे परमेश्वर आज तुम मेरे जीवन में पूरा कर चुके हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मैंने सीखा और समझा, निश्चय आप आज के वचन को मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख चुके हो। आज के वचन को मैं सुनकर 100 गुना फलों को लेकर आ सकूं, आज से मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैंने सीखा है तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। आज से मैं बिल्कुल चंगी हो चुका, मेरे घर में आशीष आ चुकी, मेरा कर्ज उतर चुका है, मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरे घर से क्लेश, मेरे बच्चों की शादियां, बच्चा, हर चीज खुदावंद आप कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम 20 को बोएंगे, बोलो हम 20 को बोएंगे, 20 को, बोलो किसको बोएंगे? 20 को। यह भी प्रार्थना किया करो, क्या करो, यह भी प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर तू मुझे बहुत दे ताकि मैं बहुत बो सकूं, तू मुझे बहुत दे ते मैं बहुत बो सकूं। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे बहुत दे तो मैं बहुत बो, बोलो आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे बहुत दे तो मैं बहुत बो, करते हो विश्वास? अगर नहीं करते तो करो, आज से प्रार्थना करो, क्या करो, पर आपका मन पैसे पर नहीं किस पर होना चाहिए, बोलो, क्योंकि बहुत सी ऐसे चीजें हैं आपके मन की वजह से ही आपके जीवन में वो रुकी हुई है, बोलो आपके मन की वजह से। इसलिए आप अपने मन को तैयार करो क्योंकि परमेश्वर तैयार है वो देने के लिए। अपने 20 को अपने हाथ में लो, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मैंने आज सीखा, जो मैंने समझा है, निश्चय इस 20 के नियम को भी मेरी प्रार्थना के जरिए, मेरी विनती के जरिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू कर चुका है। इस 20 में खुदावंद तू मुझे 1000 गुना आशीष दे चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक हमारा अकाउंट नंबर है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप चाहते हो अपने 20 को बोना, तो ये अकाउंट नंबर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका अकाउंट नंबर है 2898000105216952, और साथ में नीचे उसका IFSC कोड और नीचे 2 हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को किसी प्रकार की कुछ दुविधा या कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हो। तो अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपका मन है, ये आपके मन के ऊपर है, अगर आपका मन है तो आप बोल सकते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके रूहों के लिए,
क्योंकि परमेश्वर में बोया किसी का भी व्यर्थ नहीं। और मैं शास करता हूं कि खुदावन्द आपको इन बीजों के जरिए भी बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ठीक है, ओके। हालेलुया, अति इस वर्षिप सॉन्ग के द्वारा प्रभु जी की आराधना नु करन। वेख मसीहा ने तेरे ते कैसी दया बिखाई रोग तो तेनो आजाद कीताए दुख तो तेनो आजाद कीताए रोग तो तेनो आजाद कीताए दुख तो तेनो आजाद कीताए वेख मसीहा ने तेरे ते कैसी दया
क्योंकि कितने लोग आज भी ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, जो परेशान है, कितने लोग सोचते हैं, सोचता है कोई कि मेरा काम नहीं हुआ। हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तो हमें अच्छा कर चुका है। पर आज हमने जो सीखा कि एक विश्वासी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बोलो, एक विश्वासी की विश्वास भरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं हीलिंग तो आपके लिए कर चुका हूं, आज मैं एक विश्वास भरी प्रार्थना आपके लिए करूंगा जिससे आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको चिंगाई भी मिलेगी, और साथ के साथ आपके जीवन का हर वो काम जिसके लिए आप सोचते हो वो भी परमेश्वर करेगा। इसलिए आप आओ, अपनी आंखों को बंद करो, सब अपनी आंखों को बंद करो और अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को ऊपर उठाओ। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस माय लॉर्ड। जो आज हमने सीखा खुदा, तू निश्चय खुदाबंद, तू हर एक के लिए कर चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जितने भी आज तेरी पवित्र हजूरी में आए हैं, मेरे परमेश्वर तू हर एक को जानता है, हर एक के मन में क्या है मेरे परमेश्वर, तू दूर ही से जानता है, हमारे मांगने से पहले तू जानता है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, तू दूर ही से जानता है, तू दूर ही से जानता है मेरे परमेश्वर, तू हर एक के मन को जानता है, कौन किस तकलीफ में आया खुद तू जानता है, किसके जीवन में कौन सा रोग है, हालात है, बीमारी है परमेश्वर तू जानता है। खुदाबंद मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है, और जो कुछ भी तुम मेरा नाम लेके मांगोगे मैं करूंगा। आज खुदाबंद तेरे सब इन पवित्र लोगों के लिए जिन्हें तूने अपनी हजूरी में आज बुलाया, मैं मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से खुदा, एक एक के लिए खुदा, एक एक के जीवन से अंधकार, पाप, रोग, बीमारियां आज चली जाएं, जड़ से उखड़ जाएं। धन्यवाद करो, आमीन। मैंने कहा आपके जीवन से हर प्रकार का रोग जड़ से उखड़ जाए, जड़ से उखड़ जाए, आपकी बीमारियां आज बह निकले, आपकी रसौली टूटे, आपकी पत्थरी निकले आपके अंदर से आज, आप पूरी तरह से आज आजाद हो जाओ, छूट जाओ। आपका कैंसर का रोग, HIV, काला पीलिया, कुछ भी है, आज जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, आज जाता रहे, आज जाता रहे। आपकी हर ब्रेस्ट के रोग खिलती है, चाहे आपकी ब्रेस्ट में गिल्टी है, आपके किसी भी कोने में, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की हड्डियों का रोग है, आपके हिस्से में कहां पे भी, अपने विश्वास से आज इस प्रार्थना को रिसीव करना है। पूरे धन्यवाद के साथ ऐसे बोलो, धन्यवाद परमेश्वर। आज से खुदावन तेरा दास इन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके जीवन में जो भी रोग है, चाहे फेफड़ों का रोग है, चाहे पेट की बीमारी है, चाहे आंखों का रोग है, कानों का रोग है, खुदावन आज से ये फ्री हो जाए, खुदावन तेरे नाम से ये आजाद हो जाए, इसी कड़ी इसी समय खुदावन ये आजाद हो जाए, से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जो इनकी आशीष चुराता है, वो हर आशीष इनकी चुराने वाली अंधकार की आत्माएं इनके जीवन से, इनके सोचों से, इनकी फैमिली से चली जाएं, चली जाएं, चली जाएं, चली जाएं। राइट नाउ इसी समय आपके अंग काम करें यीशु मसीह के नाम से, आपके आज से ही अंग काम करें, आपके अंग काम करें, आपके अंग काम करें, इसी समय आपके अंग काम करना शुरू करें। राइट नाउ अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आपके अंग काम करें, आपके अंग काम करें, आपके अंग काम करें। बोलो, धन्यवाद परमेश्वर, मैंने तुझ पर विश्वास किया है, मैंने किसी मनुष्य पर नहीं, मैंने तुझ पर विश्वास किया है, मैंने तुझ पर विश्वास किया है,
और तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका है, तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका है, तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। जितने भी इन्फेक्शन के रोगी हैं, जितने भी इन्फेक्शन हैं, अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है इसको थोड़ा घटाओ, जिनकी भी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की इन्फेक्शन आपकी बॉडी से जाती रहे, चाहे किसी भी प्रकार का आपकी बॉडी में एलर्जी है, खून में इन्फेक्शन है, एलर्जी की इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार की जो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर जिस्म के बाद, आज से वो आपके जीवन से जाती रहे यीशु मसीह के नाम से, जाती रहे इसी समय, राइट नाउ, इसी समय राइट नाउ, फ्री द नेम ऑफ जीसस, फ्री द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन इनके जो भी काम है खुदा, चाहे इनके बच्चों की शादी है खुदावन, आज से वो तेरे नाम से संपूर्ण हो, इन जिनके पास घर नहीं है खुदा उनके पास वो घर आए, जिनके ऊपर कर्ज है वो कर्ज जाते रहे, जो जिस चाहत से वो आए हैं, जो भी कुछ वो करना चाहते हैं खुदा, आज उनका काम सफल हो। तूने कहा मेरे नाम से जो मांगोगे मैं करूंगा, मैं मांगता हूं कि खुदा आज तेरी हजूरी में तेरे लोगों का इस जगह पे आना मेरे परमेश्वर उनका सफल हो, आज उनका सफल हो खुदावंद, आज ही खुदा, आज एक भी अगर आप सब के सब विश्वास कर रहे हो तो खुदा का आत्मा आपको सबको छू रहा है, अगर आप सबके सब वो वाला विश्वास कर रहे हो जिससे परमेश्वर काम करता है, वो संदेह वाला सोच वाला नहीं, वो विश्वास जो आज से हमने जिस प्रार्थना को जिस विश्वास को आज हमने सीखा आप अगर कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, यस परमेश्वर, यस खुदा, यस खुदा की दुनाम सामर्थ, ये देखो खुदा की डुनाम सामर्थ काम कर रही है। लोहू रस्सा खा पापा पापा रिपो सखा बाबा 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 रू सखी सखा बाबा बाबा बाबा, उसकी डुनाम सामर्थ काम कर रही है, उसका आत्मा आपको छू रहा है, मैं कह रहा हूं कि उसका आत्मा आपको छू रहा है, अगर आप विश्वास के साथ उसकी डुनाम उसकी सामर्थ आपको छू रही है, रू सखा चल पूरी तरह से, चल आज पूरी तरह से, उखड़ 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 चल आज, उखड़ चल, अंधकार की शक्ति निकल इस बॉडी से, चल आउट, चल पूरी तरह से, चल तुझे उखाड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, आउट, शोर, चल पूरी तरह से, चल इसके शरीर की जकड़न जो तूने जकड़ा पूरी तरह से, राइट नाउ इसी समय खुदा की डुनाम सामर्थ मैं देता हूं, शैतान तेरी शक्ति के ऊपर मैं परमेश्वर की उस डुनाम सामर्थ को रिलीज करता हूं, राइट नाउ, चल उखड़, फ्री, आउट, गो पूरी तरह से, चल आज से शैतान, चल जो तूने इसके जीवन में तूने इसकी बॉडी को अपने अंडर किया, आज तेरे में उस अधिकार को जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस अधिकार से दुष्ट तेरे हर एक तेरे उस बंधन को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ता हूं, चल पूरी तरह से, आउट, बी फ्री द नेम ऑफ जीसस, बी हील, धन्यवाद करें, रुखा सखा पापा। अगर आप विश्वास से खड़े हो तो उसकी डोनामस उसकी सामर्थ आज एक भी यहां से ऐसे नहीं जाना चाहिए, आज के आपके जीवन में बड़ी गवाहियां होनी चाहिए,
बोलो आज आपके जीवन में बड़ी गवाहियां होनी चाहिए। आपने जो भी अंधकार के मेज से खाया, जो भी अपने अंधकार के मेज से खाया, जहां किसी ने आपको खिलाया, जो भी अंधकार की वो चीज आपके अंदर है, वो हर अंधकार की चीज उल्टी के राई आपके अंदर से बॉडी से बाहर आए राइट नाउ। इसी समय उल्टी के राई आपकी बीमारियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, आपकी इन्फेक्शन बाहर आए, आपकी पथरी बाहर आए, रसौली बाहर आए राइट नाउ। मैं इसी समय आज्ञा करता हूं उल्टी के राई आपका अंधकार आपकी बॉडी से जो भी बीमारी है बाहर आए, बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, बाहर आए, बाहर आए राइट नाउ, राइट नाउ। इसी समय उल्टी के राई आपके अंधकार की बीमारी आपके अंदर आपकी बॉडी से निकले। आज आप फ्री होके जाना है, आज आपने बड़ा विश्वास करना, आज आपने पूरी तरह से फ्री होके जाना है, आज आपने पूरी तरह से फ्री होके जाना है राइट नाउ, राइट नाउ। इसी समय आपके अंदर की बीमारियां निकले उल्टी के राई बाहर, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, पूरी तरह से आपका टाइफाइड का रोग जाता रहे, आपका टाइफाइड जिसके भी बॉडी में वीकनेस है, सेल है, बलगम है, खांसी है, फेफड़ों का रोग है, हर वो रोग आज से यीशु मसीह के नाम से जाता रहे राइट नाउ। इसी समय आपकी बीमारियों से आप आजाद हो जाओ। मैं आज कहता हूं खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है, अगर आप बड़े विश्वास के साथ आज यहां पे खड़े हो, आज एक भी नहीं, आज अपने मन को फिराओ, खुदा के साथ जीने का फैसला लो। परमेश्वर कहते हैं आज मैं सबको अच्छा करना चाहता हूं, मैं सबको अच्छा करना चाहता हूं, मैं सबको ब्लेस करना चाहता हूं, मैं सबके जीवन में बड़े काम करना चाहता हूं। अपने पापी स्वभाव को, अपने मन को फिराओ, परमेश्वर कहते हैं अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ, आपके स्वभाव को जो पाप का स्वभाव है, जो झगड़ा करते हैं, जो लड़ते हैं लोग अपने अंदर से, उस पापी स्वभाव को बाहर फेंको, बाहर फेंको। खुदा ने कहा कि उस चीज से आप मन फिराओ, तभी मैं आपके जीवन के अंदर काम करूंगा। ये आज अलग प्रकार की हीलिंग है आपके लिए, ये आपके लिए अलग प्रकार की हीलिंग है। आप अपने पाप से अपने मन को फिराओ, अपने विचारों को बाहर करो, अपने स्वभाव से अपने आपके मन को बदलो, ये अलग प्रकार की आज परमेश्वर हीलिंग दे रहा राइट नाउ। इसी समय आज परमेश्वर आपको सबको अच्छा करना चाहता है, आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी फैमिली के जीवन में, आपके घर घराने के जीवन में, आपके जमीन के फल में, आपकी हर चीज में बड़े काम करना चाहता है राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। रुसाला बाबा रिसा खाला बे मेरे सीना रखू रारी खाना दा रही से धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। चलो चलो विश्वास से धन्यवाद के साथ आज एक भी जन, आज एक भी सबको परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। जल्दी आ जाओ बच्चों, सब जल्दी से, आज सबको खुदा ब्लेस करना चाहता है राइट नाउ, राइट नाउ। फ्री 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 पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से राइट नाउ। चल पूरी तरह से, पूरी तरह से आज राइट नाउ, आज जड़ से हर काम होने वाला है, आज जड़ से आपके जीवन से हर काम होने वाला है, आज जड़ से आज बड़े परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में काम करने। मैं सच्ची कहता हूं आज जितने हो ले लोगों के लिए गवाही होगी, ये लोगों के लिए गवाही होगी, मैं कहता हूं ये लोगों के लिए गवाही होगी, ये लोगों के लिए गवाही होगी। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हो, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कितनी बड़ी बीमारी है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कितनी बड़ी बीमारी है, आपको क्या चाहिए, ऐसे हर चीज होने वाली है। आप धन्यवाद करो, आपको बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, हर चीज होने वाली है।
हर चीज होने वाली है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। अंधकार जाता रहे, अंधकार जाता रहे, अंधकार जाता रहे, पूरी तरह से जड़ से फ्री, 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 फ्री। आपके अंदर की बीमारियां जा रही हैं। खुदा का आत्मा जो विश्वास के साथ खड़े हैं उनको शूर आए, वो आजाद हो रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं। अपने सब सिर्फ अपने मन को फिराना है, अपने सिर्फ अपने मन को फिराना है, अपने मन को फिराना है, अपने पुराने स्वभाव को अपने अपने अंदर से मारना है। फैसला लो सब, आपको पता है कि मैं क्या करती हूँ, क्या करता हूँ। अपने मन को फिराओ, अपने पुराने स्वभाव से चल शैतान, चलो खुद चल, शूट, चल निकल, चल आउट, आउट, चल निकल इसकी बॉडी से, चल 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 चल, चल अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, चल छोड़, शट, शट, राइट नो, चल, चल जो तूने इसके बच्चे को, चल, चलास, राइट नो, उखड़, उखड़ यीशु के नाम से, आउट, चल उखड़, उखड़, उखड़ चलास से, उखड़, राइट नो। चल तुझे मैं आदेश करता हूं, जो मैंने कहा मैं वो मेरा परमेश्वर कर चुका है, तेरा इसकी बॉडी के ऊपर आज से कोई अधिकार नहीं है। चल चल, आज से तेरा इसकी बॉडी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मैं जानता हूं। चल चल इस के नाम से, फ्री 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 फ्री, राइट नाउ। धन्यवाद करते रहे, अपने मन को फिराएं, धन्यवाद। रूशा बाबा, रूशा खाबा, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। चल 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 चल, शोर शट शट, चल छट चल छट छट छट, छोड़ इसके गर्भ को, चल जो तूने रुकावट दी है, चल अपनी रुकावट लेकर, चल शैतान, चल चल इसके गर्भ को छोड़, चल इसके गर्भ को छोड़, चल यीशु के नाम से आज से, चल इसकी बॉडी से जड़ से तुझे उखाड़ दो, राइट नाउ, फ्री फ्री, आउट। धन्यवाद, धन्यवाद। जड़ से हर पाप को मैं आपके जीवन से, राइट नाउ फ्री 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 फ्री, आउट विश्वकला, आउट आउट। हर प्रकार के विचार ख्याल सोचे ऐसे जाती रही शिकायत, आउट 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 आउट। चल चलो शुरू, उखड़ जो तुझे चलास, उखड़ इसके जीवन से, तेरी हर रुकावट को मैं इसके जीवन से दूर करता हूं, राइट नाउ, फ्री फ्री फ्री, द नेम ऑफ जीसस बी हील, फ्री। रुशा रिसो कोरा लाई बेबी बेबी, चल चलास, चल चलास, चलास, चल उखड़ 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 उखड़, चल शैतान, चल चल पूरी तरह से आज, चल 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 चल, उखड़ चल उखड़ यीशु के नाम से। गंदी दुष्ट आत्मा जो तूने इसकी बॉडी में अपना घर बनाया, चल चल तुझे मैं निकालता हूं यीशु के नाम से, आउट। चल फिर आज, चल फिर आज, चल जो भी है तू, चल निकल, दो साल आ गया मेरे सर नू फड़िया, चल हराज, चल आज पूरी तरह से, चल आज, चल रात देखी है मेरे सर नू टैक, चल चल आज साइड देखो रुको, चल शैतान पूरी तरह से इसके जीवन की सोचों से, चल
आउट, अपने मन को फिराओ राइट नाउ। शैतान तो उसके इसके जीवन की बॉडी उखाड़ता हूं इसी समय। फ्री फ्री फ्री। धन्यवाद करें कि परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ कर चुके हो, क्योंकि अगर आप आज खड़े हो तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो आज अपने सीखा और समझा, परमेश्वर चाहता कि आज को आज आपको ब्लेस करे, आपके जीवन से पूरी हर प्रकार से आपको फ्री करे, आजाद करे, चंगा करे, आपके जीवन से जीवन में जरा सी भी आज तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह परमेश्वर चाहता है। बोलो परमेश्वर चाहता है कि आप आज जितने भी हो, मैं सच्ची कह रहा हूं कि खुदामंद आप जितने भी आज पंडाल में हो वो चाहता है कि आप सबके सब आज हील हो, सबके सब पूरी तरह से अच्छे हो जाए। अगर आप ये विश्वास कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मैंने बोला, जो इन्होंने सुना और जो तूने इनके लिए कहा, तू इनके लिए सब कुछ कर चुका है, तू इनके लिए सब कुछ कर चुका है, आज तू इनके लिए सब कुछ कर चुका है मेरे परमेश्वर, इनके लिए सब कुछ कर चुका है खुदावंद, आज से इनके जीवन में बड़ी टेस्टामनी आई, ये तेरे साथ वफादारी करने वाले तेरे सच्चे आराधिक बन जाएं, तेरी आराधना तेरी महिमा करने वाले बन जाएं मेरे परमेश्वर। मैं मांगता हूं खुदा इनके लिए कि आज से इनका जीवन प्लस हो खुदा, ये बड़ी आशीष और गवाही के साथ खड़े हैं। धन्यवाद परमेश्वर, और तू ऐसा कर चुका है। एक एक के लिए आज जितनों ने भी विश्वास से जे ग्रहण किया है, बोलो आप अपनी आंखों को बंद रखो, हर एक जन महसूस करो, फील करो उसकी सामर्थ को, अभी उसकी सामर्थ आपके बीच काम कर रही है, पर वो शूता उनको है जो फील करो, महसूस करो उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को, वो आपके पास खड़ा है, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, आपको रोगों से मुक्त करने वाला, आपको ब्लेस करने वाला, वो आपके पास खड़ा है, वो आपके पास खड़ा है, वो आपको छू रहा है, वो अभी भी आपको छू रहा है, वो अभी भी आपको छू रहा है, वो अभी भी आपको छू रहा है। धन्यवाद करें, आपके मन में क्या है वो जानता है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है वो जानता है, आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है वो जानता है, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। आज आप किस मन से आए वो जानता है, आज आप क्या सोच लेकर आए हो परमेश्वर के पास वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, पर आज से अपने परमेश्वर के साथ पढ़ना है। वो सामर्थ्य है, 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 वो शूर है, वो शूर है, वो शूर है आपको, वो शूर है, वो शूर है आपको, वो अभी भी आपको शूर है। कोई सॉन्ग गाए, कोई छोटा जा सॉन्ग, छू मुझे छू पकड़ू, मुझे छू छू मुझे छू पकड़ू, मुझे छू छू मुझे छू पकड़ू, मुझे छू पाकरू।
परमेश्वरे मुझे छू विश्वास करते कि उसने मुझे छू लिया है, बोलो। और कितने अभी विश्वास करते हैं कि वो मुझे छू चुका है, जो अभी विश्वास करते हैं। क्योंकि आज आप, मैं आपको वर्ड देता हूं, वचन देता हूं, अपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाकर जीना है, उसके साथ चलना है, उसकी बातों को समझना है, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। वो आपके जीवन में, मैं फिर कहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता है, बोलो। वो आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, बोलो। बहुत कुछ करना चाहता है। आज आप जितने भी हो, आप सबके सब गवाही के साथ आने चाहिए, क्योंकि जो मुझे खुदा ने कहा, आप सबके सबके जीवन में आज गवाही होना चाहिए। अभी कितने लोग विश्वास करते हैं आज? अभी किसे लग रहा है कि मुझे खुदा ने आज छुआ है? हाँ, एक दो जन आगे आई जिसे लग रहा है कि मुझे आज परमेश्वर ने छुआ है। छू तो वो सबको चुका है। हाँ, आगे आओ, बताओ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। मैनू पता नहीं लगा, मैंने परमेश्वर ने इन्ने प्यार ना छुया कि अजे तक मेरा शरीर सारा साइलेंट होया पिया। तो मैं इन्नी की महिमा करना चाहनी परमेश्वर की, कि नच नच के परमेश्वर की मैं धन्यवाद करना चाहनी हाँ, तो महिमा करनी चाहनी है बस। परमेश्वर दास ने मैं छूया तो मैं एक मिनट चंगी हो गई हाँ। आपको पता है रोग कहां से आते हैं? रोग कहां से आते हैं? चिंता से, सोच से, इसी चीज से वो आपके अंदर दाखिल होता है, बोलो। इसी चीज से वो अंदर दाखिल, एंट्री करता है। इसलिए आज से आपने किसी भी बात की चिंता, आज आपने जो वर्ड लिया इसको जाकर लेकर जाना है, और हमेशा इस वचन को याद रखना है। किसी भी बात की चिंता, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं, विनती किसके सामने है? अब यही करना है, बोलो। अपने पूरा हफ्ता ज्यादा से ज्यादा करना है, बोलो। अब ज्यादा से ज्यादा गवाहियों के साथ आओगे, बोलो। ज्यादा से ज्यादा करना और ज्यादा से ज्यादा गवाहियों के साथ आओगे, और देखना ये होगा। ओके, बोलो क्या है? ये होगा और निश्चय होगा। बोलो क्या होगा? निश्चय होगा। तो के गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।